एक डाकू जैसे ही एक बड़े महल वाले घर पे जाता है, जाते ही वहाँ पे बेल बजाने लगता है। दोस्तों बेल बजाते ही वहाँ से एक बड़ा सा आदमी निकलता है और बोलता है कि इस तरह से बुड्ढे बार बार बेल क्यों बजा रहा है। तब अंकल बोलते हैं कि मैं आपके बेटे का ज्वाइनिंग लेटर लेके आया हूँ, आपके बेटे का आर्मी में सिलेक्शन हो गया है। और ऐसे ही खुशी खुशी वो लेटर देता है उस मकान मालिक को। मकान मालिक लेटर लेके देखता है और बोलता है कि मेरा बेटा आर्मी में ज्वाइनिंग हो गया। नाम देख के ही भड़क जाता है और अपने बेटे को कॉल करता है। तब बेटा फ़ोन उठाता है और बोलता है कि पापा मैं तो इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ, एक नामी फैक्ट्री में मेरा सिलेक्शन होने वाला है। बाप गुस्से से लाल होकर बोलता है कि तूने मेरे को बिना पूछे आर्मी ज्वाइन कैसे कर ली, और तुझे पता नहीं है वहाँ पर जाने के बाद अपने प्राण अपनी हथेली पे लेके घूमना पड़ता है, और वहाँ कब कौन सी गोली अपने सीने में लग जाती है अपने को पता नहीं रहता है। मैं तुझे आर्मी में कदई जाने नहीं देने चाहता हूँ, मैंने तुझे लाल प्यार से और पाल पोस के बड़ा करा है मेरे लिए, ताकि तू मेरी सेवा करे। मेरे को तुझे सीमा पे नहीं भेजना है लोगों की मार खाने के लिए। ऐसा ही बोल के बेटे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है मकान मालिक। वह सब डॉक्यूमेंट सुनता है। जैसे ही मालिक फ़ोन काटता है, इतने में ही डॉक्यूमेंट बोलता है कि मैं कहीं गलत पते पे तो नहीं आ गया हूँ। यह देखकर वो लेटर को पढ़ता है और बोलता है कि यह आपका नाम है क्या। वो बोलता है कि यह मेरा नाम नहीं है और आप गलत पते पे आ गए हो। यह सुनकर डॉक्यूमेंट बोलता है कि आप जैसे लोगों की वजह से ही आज हमारे देश में आर्मी भर्ती के लिए युवाओं में उत्साह ख़त्म हो गया है। आपके जैसे माँ बाप की वजह से ही हमारे देश के युवा सेना में जाने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। देश के लिए मरना मिटना कोई गलत बात नहीं है, और हमें देश के लिए मर मिट जाना ये गौरवान्वित बात है और बहुत ही अच्छी बात है। हमें देश के लिए कुछ करना चाहिए, और आप जैसे इंसान को देख के मुझे लगता नहीं कि आप देश के लिए कुछ करोगे। यह बोलकर अंकल जैसे ही लेटर अपने हाथ में ले लेते हैं, इतने में मकान मालिक बोलता है, ये बूढ़े तू इतनी बात मुझे सुना के जा रहा है, तो ज़रा ये बता कि तेरा बेटा क्या करता है। यह सुनते ही अंकल की आंखों में से आंसू आ जाता है और पीछे घूमकर बोलते हैं कि मेरा बेटा कारगिल युद्ध में शहीद हो गया है। ऐसा ही बोल के वापस घूम जाते हैं। इतने में ही उस मकान मालिक की आंखों में से आंसू आने लगते हैं और बोलते हैं कि अंकल जी रुक जाओ, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं मेरे बेटे को तो इस लायक नहीं बना सका कि वो देश के लिए कुछ करे और देश की सेना में जाए, पर मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरे पोते को मैं इतना पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और इतना ताकतवर बनाऊंगा कि वो सीमा पे रहे और देश की रक्षा करे। तो दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो और कैसी लगी पोस्टमैन की बातें, कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।